पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। हिंसा को लेकर के कानपुर पुलिस एक्शन में नजर आई। 15,000 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज की गई है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें दिखाई थी, तस्वीरें दिखा भी रहे हैं आपको। कल की ये तस्वीरें हैं, शुक्रवार की तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे, उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। और कानपुर में हिंसा पर पुलिस ने कार्रवाई की है। हिंसा को लेकर के कानपुर पुलिस ने एक्शन लिया है। जुमे की नमाज के बाद 2:35 पर बाबूपुरवा स्थित ईदगाह मैदान में काफी संख्या में लोग आकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस बल के द्वारा काफी देर समझाया गया, समझाने के बावजूद भीड़ शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद का मंजर इस प्रकार रहा कि लोगों के दिल दहल गए। आपको दिखाना चाहूंगा कि प्रदर्शन कर रहे लोगों के अंदर गुस्सा इतना ज्यादा था कि पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया, उसके बाद उग्र हुई भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। आप सामने देख सकते हैं जली हुई गाड़ियां पड़ी हैं, और उसके बाद काफी परिस्थितियां इतनी बिगड़ती चली गई कि काफी देर तक पुलिस कर्मियों को संघर्ष करना पड़ा भीड़ पर काबू पाने के लिए, लेकिन भीड़ थी कि जो शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद अभी कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ है, सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए। कैमरा पर्सन से कहूँ, दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए हैं, किसी प्रकार से दोबारा कोई भी हिंसा ना होने पाए। और यहाँ कर्फ्यू जैसा माहौल है, हालांकि लोग आ जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया। PAC के जवान यहाँ पर तैनात है, किसी प्रकार से कोई माहौल खराब ना हो। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर सड़क पे अद्धे घूमने और बोतलें टूटी हुई पड़ी हैं। ये इस बात का सबूत है कि किस प्रकार से भीड़ का गुस्सा था और किस तरह से पुलिस और मीडिया कर्मियों पर जमकर पत्थरबाजी की गई है। आसपास के घरों से लोगों ने खूब जमकर पत्थरबाजी की है। जहाँ तक बात की जाए आम पब्लिक की, तो इतना गुस्सा था, पुलिस बल कम होने के कारण लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी और लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आप देख सकते हैं सड़क पर किस प्रकार से घुमे पड़े हुए हैं, बोतलें टूटी पड़ी हुई हैं, और जिस प्रकार से पुलिस पब्लिक का गुस्सा था पुलिस के प्रति, वो देखने बनता है। उसके बाद अगर घायलों की बात की जाए तो अभी सरकारी आंकड़े सही नहीं मिल पाए हैं, लेकिन 6 लोगों की फिर भी घायल होने की बात की जाती है। कानपुर से शिवराज साहू, भारत समाचार। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अवनीश हमारे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अवनीश, आपसे जानना चाहेंगे हिंसक प्रदर्शन के बाद आज कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। बाकायदा शहर में जो चुकी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, तो मैसेज टेक्स्ट मैसेज करके आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। उसमें आज बड़ा चौराहा जो है मेन बड़ा चौराहा, वहाँ पर मानव श्रृंखला बनाने के लिए लोग जो मुस्लिम समुदाय के लोग उनसे अपील की गई है। सब लोग भाई भाई तादाद में पहुंचे, वहाँ पर एक मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध दर्ज किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कल से अलर्ट थी, उसके जब हिंसा हो गई तो पुलिस ने पूरे मामले 15 मामले दर्ज किए, जो 15 थानों में दर्ज किए गए, और सबसे ज्यादा जो बाबूपुरवा और बेगरगंज थानों में सब गंभीर धारा मुकदमे दर्ज किए गए। इसमें 40 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और लगभग 35 लोग घायल हुए। पुलिस और मीडिया कर्मी भी थे और 2 लोगों की मौत हो गई है, जिनका अस्पताल में इलाज चला था। अभी भी 10 लोगों का इलाज जो पदवी है उन अस्पताल में चल रहा है, और पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड में है। लेकिन पुलिस की जो खुफिया इकाई है वो पुलिस नहीं समझ पा रही है कि इंटेलिजेंस कहाँ से फेल हुई की लाखों की तादाद में भीड़ सड़क पर उतर आई और हिंसक रूप ले लिया। अभी भी पुलिस अधिकारी सकते हुए कल जो घटना हुई उसको पुलिस कतई अनुमान नहीं। पुलिस बराबर, जब से ये कानून लागू हुआ था तब से बराबर।